हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। कांस्टेंट फंक्शन ये हमारा सेकंड टॉपिक है। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। लेट सी बी ए पी रियल नंबर है। पहले हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट सी चूज करेंगे या फिर मानेंगे एक सी एक कांस्टेंट है जो फिर रियल नंबर को बनाएंगे। आर्बिट्रेरी कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है। देन द फंक्शन एफ एक्स, हमारा फंक्शन किस फॉर्म में कहता है, एफ एक्स के फॉर्म में। उस एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू चूज करके एफ एक्स में रखेंगे तो हमें हम हर बार सी मिलेगा। लेकिन जितने भी एफ की वैल्यू चूज करते चले जाएंगे आर्बिट्रेरी, हमें एफ एक्स की वैल्यू हर बार सी ही मिलेगा। सी क्या है, एक फिक्स कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट कहता है रियल नंबर है। ऐसे फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन कहेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, टेक द लेट सी बी ए रियल नंबर, देन द फंक्शन एफ जनरेट आर टेंड टू आर, मतलब एक फंक्शन एफ है जो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में मैपिंग हो रहा है। और फिर कैसे डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू सी, जो एफ एक्स की वैल्यू है हर बार सी मिल रहा है, जहाँ एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जैसे ये रियल नंबर है, इस कॉल कॉन्स्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। बस समझ में आई। अब आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, द डोमेन इज ए कम्प्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे हम जानते हैं ये सेट हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। अभी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि ये डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। पी क्यू आर एस पी यू जितने भी नंबर है, ये तो हमारे क्या है, ये रियल नंबर के ही पार्ट है। और रेंज की बात क्या कह रहा है, अब जानते हैं कि ये सेट में जितने भी एलिमेंट है इनको को डोमेन कहते हैं। और जिन एलिमेंट का हमें इमेज मिलता है उन्हें हम रेंज कहते हैं। रेंज मतलब कि इमेज ऑब्टेंड, जिन जिन एलिमेंट का हमें इमेज ऑब्टेंड हो रहा है उन्हें हम रेंज कहते हैं उस फंक्शन का। तो द रेंज ऑफ सिंगलटन, द रेंज इज सिंगलटन सेफ्टी ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन एफ है, इस फंक्शन का जो रेंज सी है, ये सी क्या है, एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, और उससे सिंगलटन सेट को ऐसे रिनोट करते हैं। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो हमारा डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और जो हमारा रेंज होगा एक कॉन्स्टेंट नंबर रियल नंबर सी के बराबर होगा। ये ग्राफ क्या कहना चाहता है देखते हैं। ग्राफ हमारा ये है, जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है एक्स एक्सिस के अबव, सी यूनिट डिस्टेंस पे। ये क्या हो गया सी, इसको क्या कहते हैं, सी यूनिट डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा 0.3 बनेगा। मतलब ग्राफ क्या कह रहा है कि जो ग्राफ इस कांस्टेंट फंक्शन का बनता है वो सी यूनिट क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबव बनता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस अबव सी यूनिट डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे अबव ड्रा करते हैं तो दूसरे बिलो ड्रा कर सकते हैं, हो सकता है कि वो उसी की वैल्यू 0 हो जाए तो 5 कर जाए, तो इसलिए हमारे 3 केस के राइट होता है। पहला पॉजिटिव सी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो फिर सिर्फ एबव मिलेगा, और दूसरा केस जब सी की वैल्यू निगेटिव होगा तो फिर सिर्फ बिलो मिलेगा। ये हमारा निगेटिव केस के लिए है, ये हमारा पॉजिटिव केस के लिए है, क्योंकि सी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू जब 0 आएगी तो हमें ये लाइन मिलेगा, मतलब कौन टाइप कर जाएगा एक एक्सेस के अलावा, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो फिगर क्या कह रहा है। सेट ए में पी क्यू आर एस टी यू ढेर सारा एलिमेंट है, एल बी में जैसे ढेर सारा एलिमेंट है, अभी रियल नंबर है ये रियल नंबर है, लेकिन जो एक्स हम चूज कर रहे हैं आर्बिट्रेरी वो हमारा पी क्यू आर एस जितने एलिमेंट सभी एलिमेंट को हम हमारा एक्स होगा, उन सभी एलिमेंट का इमेज हमें सेट बी के सिंगलटन सी के साथ इमेज ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्वेश्चन क्वेश्चन कहते हैं। थैंक यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स फंक्शन।